हेलो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं आज नए तरीके से मेथी मलाई मटर बनाना। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाल दिया है। और दो इलायची भी डाल दूंगी इसी में। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ काजू भी डाल दूंगी, दो तीन चम्मच, तीन चम्मच के करीब। थोड़ा सा तेल डाल दिया है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा डाल देंगे इसमें। ये जो उबला हुआ प्याज और काजू थे वो मैं इसमें छोड़ दूंगी। इसको कुछ देर भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गई है, हल्का सा भुन गया है ये। अब इसमें मैं ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। थोड़ी देर और भूनते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, तेल छूट गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। और नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। देखिए, ये इसमें तेल छोड़ दिया है, डाल देंगे एक कटी हुई मेथी डाल दूंगी इसमें। और कुछ देर इसको भूनेंगे कि ये अच्छे से भुन जाए, इसकी करवाहट दूर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे तली से, क्योंकि इसमें काजू डले हैं का पेस्ट है तो वो नीचे चिपकने की आशंका रहती है। तो अगर चिपक गया ना तो पूरा हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए तली से ऐसे करते हुए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने से क्या है, मेथी की करवाहट भी चली जाएगी। जब ये थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा तेल रिड्यूस करने लगी है, एक दो मिनट और भूनते हैं, फिर इसमें हम आगे का बताते हैं आपको कि अब क्या करना है। इस तरह से एक बार बनाइए मेरे तरीके से, मज़ा आ जाएगा आपको, बार बार बना के खाने का मन करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अब भून गया है करीब करीब। देखिए तेल जैसा छोड़ने लगा है। अब इस समय पे मैं इसमें डाल दूंगी दो टीस्पून भर के मलाई, फ्रेश मलाई। इसकी जगह पे आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। भूनेंगे थोड़ी देर, इसका मलाई की जो स्मेल है वो थोड़ी सी दूर हो जाए और मेथी में मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये आप जब चलाते हैं तो ये देखिए
कढ़ाई दिखने लगी है, इसका मतलब ये भुन गई है। अब हम इसमें ये एक कप मटर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इसमें एक कप मटर, एक कप के करीब मेथी डाली थी और दो प्याज मीडियम साइज के और 5-6 कलियाँ लहसुन की, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जीरा और 2 चम्मच के करीब मलाई डाली है। अब इसको थोड़ी सी देर चला के हम इसमें ये आप जितना रसा रखना चाहते हैं, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा वैसी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थिक सी ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। बस मैं इतना ही, आधा कप के करीब मैंने दूध डाला है इसमें, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा 1 कप दूध इसमें चला गया। अब ये कुछ देर खोलने के बाद आपकी मेथी मलाई मटर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी मेथी मलाई मटर तैयार है। अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, तैयार है आपकी मेथी मलाई मटर। थैंक यू सो मच। एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।